नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉलिक एसिड के विषय के बारे में। तो फॉलिक एसिड क्या है, कब इसे यूज़ करना चाहिए, कैसे ये आपकी मदद करता है और इसकी सप्लाई जो है वो कैसे और कब पेशेंट को दी जाती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो विटामिन जो फॉलिक एसिड है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का ही एक मेंबर है, जो कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, लीवर, मीट या फिर यीस्ट से प्राप्त होता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी, इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके कारण जो अनीमिया है वो हो सकता है। और जो बॉडी है इसकी रिक्वायरमेंट जब प्रेग्नेंट है कोई महिला या फिर बच्चे की ग्रोथ के लिए उस समय के दौरान बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है, या फिर जो बढ़ते बच्चे होते हैं, जब बच्चा बढ़ रहा होता है, ग्रोथ हो रही होती है बच्चे की, तो उस समय भी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है इसकी, जो विटामिन्स के बी कॉम्प्लेक्स की, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। और अगर ये भरपूर मात्रा में ना मिले तो इसकी कमी के कारण जो अनीमिया है वो हो सकता है। तो इसीलिए अनीमिया को, कई टाइप्स के अनीमिया को ठीक करने के लिए जो फॉलिक एसिड है वो दिया जाता है। आगे जानेंगे व्हेन शुड इट बी यूज, यानी कि इसका जो इस्तेमाल है वो कब करना चाहिए। तो अनीमिया जो है वो अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि अगर आप पूरी तरह से न्यूट्रिशन सही तरह से नहीं ले रहे हैं तो अनीमिया जो है वो हो सकता है। और जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है वो भी इसी का ही एक पार्ट है, यानी कि जनरल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो है वो हो सकती है। और इसे ठीक करने के लिए जो सप्लीमेंटिंग फॉलिक एसिड है वो दिया जाता है। और जब फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो तो उसमें वेट लॉस हो सकता है, माउथ कैविटी या फिर टंग में इन्फ्लामेशन हो सकती है और कई टाइम अल्सर भी हो सकते हैं। तो पेशेंट को कुछ भी स्पाइसी खाने के बाद जो बर्निंग सेंसेशन है वो माउथ में होती है, जो कि स्पाइसी फूड खाने के बाद पेशेंट को होती है। और जो प्रेग्नेंट और लैक्टेशन मदर्स हैं उन्हें आयरन के कम्बिनेशन के साथ जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि एनीमिया से उन्हें बचाया जा सके। और इसके अलावा जो बढ़ते बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट डिफेक्ट्स हैं उन्हें भी रोकने में ये काफ़ी कारगर, यानी कि मददगार साबित हुई है। तो जो अनीमिया के सिम्टम्स हैं उनको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आगे हाउ इज़ इट सप्लाइड एंड गिवन टू पेशेंट, यानी कि इसकी सप्लाई कब, कैसे और पेशेंट को कैसे दी जाती है। तो ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है और लिक्विड सिरप की फॉर्म में भी आती है। तो अगर आपने इसका इस्तेमाल टैबलेट फॉर्म में, तो ये 1 mg या फिर 5 mg की टैबलेट्स जो है इसकी मिलती है, जो कि ओरली ली जाती है और खाना खाने के बाद ही ली जानी चाहिए। और जो सिरप है वो बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सिरप 2.5 mg फॉलिक एसिड और 5 ml पर 5 ml, जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फॉलिक एसिड की कमी या फिर माल न्यूट्रिशन जो है के लिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। और इसकी लार्ज डोज जो है वो दी जाती है 4 हफ्तों के लिए, यानी कि 1 महीने के लिए लगातार। और अगर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन है मदर है तो उसे इसकी डेफिशिएंसी से बचाने के लिए, यानी कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से बचाने के लिए इसका जो इस्तेमाल है वो 0.5 mg की जो टैबलेट है वो डेली जो है वो दी जाती है। और इसमें फिर रोज सल्फेट का भी कम्बिनेशन जो है वो किया जा सकता है। और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में फिर रोज सल्फेट जो कम्बिनेशन है वो करके दिया जाता है। और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो फिर रोज सल्फेट के जैसे ही इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है फॉलिक एसिड। और इसका जो प्रिकॉशंस है, यानी कि आपने क्या क्या सावधानियां जो है वो बरतनी है, तो फॉलिक एसिड और आयरन जो है वो अनीमिया को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो अगर अनीमिया ठीक नहीं हो रहा आपको, पेशेंट को ये लंबे समय से आप दे रहे हैं, तो अनीमिया का सही कॉज जानने के लिए आपको पेशेंट को डॉक्टर के पास रेफ़र करना होगा, जिससे कि उसका सही कॉज पता चल सके और जो उसका ट्रीटमेंट है वो सही तरह से हो सके। तो दोस्तों, अगर आप भी प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर बनना चाहते हैं, फ्रंट लाइन में आना चाहते हैं, तो आप CMSCD करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सिर्फ मैसेज पर ही कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009। और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।